तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में मिसेस सोढ़ी की भूमिका निभाने वाली जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल ने अब एक नया खुलासा किया। उन्होंने अब आरोप लगाया कि शो के सेट पर उनका मेंटल हैरेसमेंट भी हुआ था। अपने भाई की मौत के दौरान के हुए वाक्य को याद करते हुए जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल कहती हैं, उनके भाई वेंटिलेटर पर थे। उन्होंने शो के ऑपरेशन हेड सोहेल रोमानी से कहा कि उन्हें 2 दिन के लिए नागपुर जाना होगा। इस पर सोहेल ने उनसे कहा था कि मेरा शूट छोड़कर नहीं जा सकते, मेरा शूट छोड़कर गए तो देखना, मेरा शूट जब खत्म होगा तब जाना। हालांकि उनके डेट एडजस्ट कर दिए गए और वह अगले दिन जा पाई। अपने भाई के बारे में याद करते हुए रो पड़ी। वह कहती हैं, हम दोनों रोज 2 घंटा बात करते थे फोन पर, अब मुझे विश्वास नहीं है कि वह हमारे बीच नहीं है। भाई के निधन के 10 दिनों के बाद वह मुंबई आकर असित मोदी से मिली। तब निर्माता ने उनसे अच्छे से बात की और सोहेल रोमानी ने कहा कि वह उनके 7 दिनों का पैसा ना काटे। सोहेल के बर्ताव के बारे में बताते हुए जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल कहती हैं, इसके लिए मेरे को सोहेल ने बहुत सुनाया। वह हमेशा कहता था, इसका भाई मरा है, उसका पैसा हमने दिया है।